यहां मुद्दे की बात में आज बात कर्नाटक की, बात आज योगी के कर्नाटक कनेक्शन की। आखिरकार किस तरह से योगी कर्नाटक के रण में हुंकार भर रहे हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस का यह कहना है कि यह ध्रुवीकरण की कोशिश है। आपको बता दें कि मुद्दे की बात में हमारे साथ वेद प्रकाश जुड़े हैं जो कि संघ विचारक हैं, साथ साथ विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रवक्ता हैं, अबास अली जैदी साहब जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, एके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, संदीप द्विवेदी हमारे साथ बीजेपी की ओर से जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस चर्चा को हम आगे शुरू करें उससे पहले एक बड़ा बयान राहुल गांधी का सुनिए जरा और फिर सीधा रुख करेंगे 2019 इलेक्शन एंड वी विल सी व्हेदर माय पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग means anything or has any value. I am pretty confident that if we get everybody together and the Congress is able to act as a platform, the BJP doesn't stand a chance. The question in my mind is, what does that government look like that has so many different partners? But I am pretty convinced that Mr. Modi is not going to be the Prime Minister. I can see it in his face. He knows it. Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes. Everybody congratulated me. But last night, my mother came to my room. And she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison. She can see it because of what it does to the people around and to the people they love. But most importantly, she can see it because she is not attached to it. The only antidote to this poison is for all of us to see it for what it really is and not become attached. राहुल गांधी का यह बड़ा बयान, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले योगी का हम जिक्र कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल आखिरकार कर्नाटक चुनाव प्रचार में बीजेपी क्यों कर रही है, आइए जरा वो भी आपको जल्दी से समझा देते हैं। योगी आदित्यनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, भगवाधारी हैं और हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में बीजेपी में उन्हें देखा जाता है। अगर बात कर्नाटक के लिहाज से करें तो तटीय कर्नाटक का क्षेत्र काफी संवेदनशील है, अल्पसंख्यक में भी बड़ी तादाद में देखा जाता है यहां पर, और कर्नाटक का यही वो क्षेत्र है जहां पिछले 2-3 सालों में 2 दर्जन से करीब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और उन पर जानलेवा हमले हुए। हुबली का जिक्र करें तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर इज ऑफ डूइंग मर्डर का आरोप लगाया था। माना जा रहा है कि यहां से राजनीति का सांप्रदायिक रंग वोटों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसा हुआ तो पूरे कर्नाटक में चुनाव का गणित अपना असर दिखा सकता है। वैसे भी इस इलाके में लिंगायतों का ठीक ठाक प्रभाव भी है, दक्षिणी कर्नाटक तो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, वैसे भी कर्नाटक हर मठ मंदिर का राज्य है, योगी आदित्यनाथ इसलिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भटकल और साथ साथ तटीय कर्नाटक के चुनावी जैसे संवेदनशील इलाकों में योगी की सभाएं ज्यादा लगाई गई। ये वो इलाके हैं जो न सिर्फ सांप्रदायिकता के रूप से संवेदनशील है बल्कि यहां नाथ संप्रदाय के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इस चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कोशिश रहेगी कि साधु संतों और महंतों को भी अपने पक्ष में लाया जाए। तो ये पूरा का पूरा डीएनए हम आपके सामने रख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आखिरकार क्यों जरूरी है कर्नाटक चुनाव। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर, विकास श्रीवास्तव के पास सबसे पहले रुख करेंगे क्योंकि राहुल गांधी का यह बड़ा बयान। विकास श्रीवास्तव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी आवाज आ रही है। विकास जी, अब सत्ता जहर नहीं है क्या? विकास श्रीवास्तव जी आवाज आ रही है? सर मैं पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, मैंने कहा सत्ता अब जहर नहीं है क्या? राहुल जी ने कभी ये नहीं कहा कि सत्ता जहर है तो मैं सत्ता से भाग रहा हूँ साहब। मैंने दो बयान सुनाए, एक राय दिया कि बात बीच में तकनीकी दिक्कत की वजह से, इसकी सेवा के लिए नहीं। विकास श्रीवास्तव, तकनीकी दिक्कत की वजह से आप शायद सुन नहीं पाए,
मैंने एक पुराना बयान भी साथ में दिखाया राहुल गांधी का, ठीक है सर, मैंने उन बयानों का जिक्र भी किया है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा तीन बयान और सुना देते हैं, लेकिन उससे पहले संदीप द्विवेदी, राहुल गांधी सीधे तौर पर अब चुनौती बनकर सामने खड़े होने की बात कर रहे हैं। सर, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती बना हुआ हो, वो हमारे लिए क्या चुनौती बनेगा? हमारे लिए तो स्टार प्रचारक है, जहां राहुल गांधी जी के शुभ कदम पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाती है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी की ये चुनौती आप लोग हल्के में ले रहे हैं? लगता है नहीं, राहुल गांधी की चुनौती हम बिल्कुल हल्के में नहीं लेते हैं। आप देखिए, किसी भी इलेक्शन में हो, पार्टी बिल्कुल कसर नहीं छोड़ती, और राहुल गांधी से राजनीतिक तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति आज तक हार का रिकॉर्ड बना चुका हो और फिर भी उसको जबरदस्ती पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए, उससे किस तरह की चुनौती? वो खुद आज अपनी पार्टी के लिए चुनौती है, बकाया किसी के लिए पार्टी नहीं है। आज उनका पूरा जो गठबंधन है यूपीए का, वो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करता और वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पहले वो खुद ही डिसाइड कर लें कि उस महागठबंधन के कौन पीएम होगा, इसके बाद फिर इस तरह की बयानबाजी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनके ये जो बचकाने बयान है, वो कहीं ना कहीं जानबूझ के ये राजनीतिक तौर पे इन्हें लॉस करते हैं। नहीं तो दो से देश की सबसे बड़ी पार्टी तक का सफर तो आपने भी पूरा किया साहब। सर, लेकिन हमने राजनीतिक पप्पुओं के सहारे नहीं किया, हमने जाति हमने एक परिवारवाद पे नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में जिस भाषा का सर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में संदीप द्विवेदी, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि एक बड़ी रैली में कर्नाटक में ही राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना नहीं साधेंगे, क्योंकि वो जिस पद पर हैं वो ठीक नहीं है। और इसके पहले जब प्रधानमंत्री को लेकर इनके नेताओं ने क्या क्या कहा, तब राहुल गांधी की सोच कहां नहीं, थी? नहीं, तो आपकी सोच और आपका नजरिया हो सकता है संदीप द्विवेदी, लेकिन यहां पर राहुल गांधी की चुनौती को आप किस तरह से स्वीकार करते हैं, ये वही आपकी भाषा है जो 2014 से पहले कांग्रेस की भाषा होती थी मोदी को लेकर? नहीं, देखिए, राहुल गांधी आज खुद कांग्रेस के लिए चुनौती है, हमारे लिए बिल्कुल चुनौती नहीं है। और राहुल गांधी को मुझे लगता है कि अगर राहुल की जगह कांग्रेस ने किसी अच्छे युवा को आगे बढ़ाया होता तो हमारे लिए चुनौती होती। राहुल आज कांग्रेस के लिए राहु की तरह काम करते हैं और हमारे लिए कहीं ना कहीं राहुल फायदेमंद होते हैं। जहां भी गए, पंजाब में राहुल ने कैंपेन नहीं किया तो हमें लॉस हुआ, और जहां जहां राहुल जाते हैं वहां हमें फायदा होता है। और अच्छी चीज है कि राहुल जी बहुत एग्रेसिवली कैंपेन कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें और ज्यादा सीटें मिलेंगी, उसका हमें पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अदरवाइज राहुल गांधी के आप जितने भी बयान देखिए, चाहे आलू से सोना बनाने की बयानबाजी हो, चाहे चंद्रमा से कंपेरिजन करने की बयानबाजी हो, किसानों को चंद्रमा पे ले जाने की बयानबाजी हो, इस तरह की जो बातें करते हैं, यहाँ तक धर्म को लेकर कहते हैं कि राम राम के बारे में उन्होंने सीधा कहा है कि ये कोरी कल्पना है, और आज वही व्यक्ति मंदिर मंदिर जाके स्वीकार करते हैं कि राम पूजनीय है। तो मुझे लगता है कि इनकी बयानबाजी हमेशा ऐसी ही रहती है, इन्हें खुद पता नहीं कि क्या कहना है, इन्हें पन्ना पकड़ा दिया जाता है और उसी पे बोलते हैं। एक प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि ये 15 मिनट बिना पेपर के नहीं बोल सकते, और ठीक है। एक जरा तीन बयान हम सुना देते हैं और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये तीन बयान राजनीतिक नजरिए से योगी की कर्नाटक कनेक्शन को लेकर हैं, जरा सुनिए क्या कुछ कहते हैं राजनीतिक दल, और फिर रुक करेंगे अपने मेहमानों की ओर। आदित्यनाथ जी की जो पॉपुलैरिटी है, उनको लेकर जो लोकप्रियता है, ये भारतीय जनता पार्टी का ये अपना हमारा है कि हमारे पास ऐसे नेता हैं कि इतनी उनकी लोकप्रियता है। त्रिपुरा चुनाव में देखिए किस तरह योगी जी के लिए भीड़ उमड़ती थी, हिमाचल के चुनाव में उमड़ती थी। तो यहाँ पर भी जनता की डिमांड है, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है कि योगी जी को भेजा जाए, और योगी जी एक बेहतर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, संगठन के लिए भी काम कर रहे हैं, सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं, एक शानदार मुख्यमंत्री के तौर पर। मैं तो समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, और राजा कभी नहीं राज्य करता, उसका इकबाल राज्य करता है। निश्चित रूप से आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी जब कर्नाटक जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के विकास और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो रही है, उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय आदित्यनाथ योगी को पहले अपना घर संभालना चाहिए, अपना घर बचाना चाहिए, उसके बाद वो कर्नाटक के लोगों की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पूरी तरह से विफल है। शासन का प्रशासन पे कोई दबाव नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश है, भ्रष्टाचार में एकदम से लिप्त है। ये उनकी पार्टी की अपनी नीति होगी कि उनसे कहाँ काम लेना चाहते हैं। हो सकता है उत्तर प्रदेश में विफल हो रहे हों तो वहाँ काम करवाना चाहें उनसे। ये पूरा का पूरा कर्नाटक कनेक्शन का हम जिक्र करें, एके मिश्रा साहब, योगी साहब का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये कुछ आंकड़े सामने हैं। एक तीर से कई शिकार जो बोलते हैं, और थोड़ा रणनीतिक शिकार, स्ट्रेटजिक वे में शिकार,
ये सीधे सीधे देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर कट बताता हूं, सारी पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी, चाहे इसको कोई अभी तक किसी ने बताया या ना बताया। बीजेपी की जब सरकार कर्नाटक में बनी थी तो येदुरप्पा जी ने पदयात्रा की थी, काफी दूर तक कई जिलों को उन्होंने कवर किया था और उस मुहिम के कारण बीजेपी वहां पे आई थी। उसके बाद बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे, बहुत जबरदस्त तरीके से एक उनके खिलाफ मुहिम छिड़ी जो है वहां पे, बाद में वो बीजेपी से अलग भी हो गए। वहां पे किसी लोकल कैरिज्मेटिक लीडर का जो है बीजेपी के लिए अभाव था। इस गैप को कैसे पूरा करें? सबसे अच्छा उनको एक आदमी जो मिला वो मिला योगी आदित्यनाथ जी यूपी से, जो तीन चार उद्देश्यों को बीजेपी को पूरा कर देते हैं। देखिए येदुरप्पा जी का जो गैप है उस चीज को फिलअप कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। येदुरप्पा जी जितनी बार कैंपेनिंग करने जाते विपक्षी पार्टी चिल्लाते कि भाई इनके ऊपर तो ये आरोप है, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क उनके साथ चलता जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ नहीं है। दूसरी चीज देखिए, योगी आदित्यनाथ किसी विशेष ग्रुप के लिए, किसी धर्म के लिए एक बहुत बड़ा अपने आप में चेहरा है। चेहरा होने का मतलब बहुत सारे जो है डिफरेंट मठ है वहां पे, बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, इन सारे संप्रदायों के मतभेदों को दूर करते हुए सारे संप्रदाय के लोगों को एक जगह पे लाना, जिसको कि आप ध्रुवीकरण बोल रहे हैं, पोलराइजेशन बोल रहे हैं, वो अगर कोई कर सकता है तो या तो पीएम कर सकते हैं या आप जो है योगी जी कर सकते हैं बीजेपी में। एक और रीजन है इंडिविजुअल होलसम पॉलिटिकल ऑफरिंग। अगर आप देखिए इंडिविजुअल पॉलिटिकल पर्सनालिटी का अगर आप कंपैरिजन करिए तो योगी जी की इंडिविजुअल पॉलिटिकल पर्सनालिटी और यूएसपी भी बहुत अच्छी है। जैसे देखिए धारा प्रवाह वो बोलते हैं, उनको ज्ञान धर्म का या किसी और चीज का बहुत अच्छा है, उनकी भाषण शैली अच्छी है, कॉन्फिडेंट जो है उनकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज है। विकास बीच में हमारा संपर्क टूट गया था आपसे। खैर राहुल गांधी को लेकर जो मैंने बयान सुनाए थे वो दो अलग अलग बयान थे, उस पर हम चर्चा आगे किसी दिन कर लेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ का सहारा ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस बार बार तस्वीरें क्यों रिलीज कर रही है कि देखिए मंदिर मंदिर जा रहे हैं राहुल गांधी, वो क्या है? विकास क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लग रहा है कि संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा विकास से। जैदी साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आपके पास? जी विकास, अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ जी विकास, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? विकास मैंने कहा कि अगर तिलक जी, जी योगी अगर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं तो आप लोग भी तो तस्वीरें वायरल कर रहे हैं साहब, देखिए राहुल गांधी कहाँ कहाँ मंदिर जा रहे हैं, वो क्या है? जैदी साहब कौन नहीं कर रहा ध्रुवीकरण की राजनीति, ये भी तो वही कर रहे हैं जी। कट गया तिलक भाई, मैं जैसे कि मैंने पहले ही इस बात को कहा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति किसने की है देश में, देश को बांटने की राजनीति कौन करता है, नफरत फैलाने का काम कौन करता है, वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों वो छुपते नहीं है। यहाँ पे बड़े प्रश्न ये, मैं अभी अपने राजनीतिक विशेषज्ञ महोदय को सुन रहा था, जिस तरीके से उन्होंने योगी जी को प्रस्तुत किया है आज के डिबेट में उसमें काफ़ी कुछ ठीक है, हम उनकी बातों से अपने आप को भी संबद्ध करते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज पूरे देश में अपने राजनीतिक और पकड़ पे और संघ पे पकड़ के आधार पर सबसे मजबूत और बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसलिए उनको जाना ही है। सभी प्रदेशों में गए, यहाँ पर आपने बताया कि वो नाथ संस्थ से जुड़े लोग हैं, वहाँ पर जहाँ नहीं भी थे वहाँ पर भी वो गए हैं, और 2019 में जिस प्रकार से इनका पूरी तरह से इनको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे देश की जनता में वो पूरे नहीं कर पाए हैं, उनकी अपनी फेस वैल्यू बहुत बुरी तरह से गिरी है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी पोर्ट्रे कर रही है, और 2019 में कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोबेबल अपना वो पीएम का प्रोड्यूस करने की प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात से इतनी करेंगे कि जो भी उन्होंने कहा अभी राजनीतिक विशेषक में, येदुरप्पा साहब की कमियां, उनके भ्रष्टाचार और कौन कर्नाटक में सरकार बनाएगा, वोट इसके ऊपर होगा। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं और वहां जाकर के प्रचार कर रहे हैं, तो उसके बाद उनकी कर्नाटका की जनता जो पढ़ी लिखी जनता है वो ऐसा थोड़ी ना करेगी कि वो वोट करेगी। ये बीजेपी की मजबूरी है कि उनको अपने सबसे बड़े लीडर को लेकर जाना है। ओवैसी साहब भी तो प्रचार करने गए, ओवैसी भी गए ना वहां पर, सभी लोग प्रचार करने जाएंगे तो फिर
जेडीएस के लिए अगर सारे लोग जाएंगे, देखिए मायावती जी अपनी पार्टी की सुप्रीमो है, अखिलेश यादव क्यों ले गए कांग्रेस के लिए प्रचार करने, ये आप बेहतर बता सकते हैं मुझसे ज्यादा। उसके बाद हमारे प्रदेश के सीएम ने, देखिए अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब प्रचार कर दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी की जाने की आवश्यकता है, तो आपके पूरे डिबेट का मफ़हूम यही था। हाँ अभी एक बात कह रहे थे हमारे बीजेपी के साथी, बहुत भले आदमी, मेरे अच्छे संबंध भी हैं, कि राहुल जी जहाँ प्रचार करते हैं हमारा अपने आप फायदा हो जाता है, तो भाई हमारे मुख्यमंत्री जी को लौटा दीजिए क्योंकि राहुल जी ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं, आ जाए मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की गिरफ्त करें, हमारे मुख्यमंत्री जी आकर के यहाँ पर जो बच्चे मारे जा रहे हैं उनकी फिक्र करें, और हिंदुत्व से सीधे सीधे जुड़े जो नौजवान नौकरी नहीं पा रहे हैं, राहुल जी तो प्रचार कर ही रहे हैं, आप बिना वजह इतनी मेहनत वहाँ पे कर रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री साल शासन करने के बाद भी राहुल विकास का, आपके अखिलेश यादव जी विकास का आइकन नहीं बन पाए, एक साल में योगी जी ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। नहीं अगर नारे आप दे सकते हैं, इनका भी नारा बहुत अच्छा था, आप जो बात कर रहे हैं की और धार्मिक संदीप द्विवेदी, इन्होंने भी कहा वो विकास बोलता है, धर्म के नाम पे देश को बांटा, उसके बाद जात के नाम पे बांटा, और आज आप डिबेट में कह रहे थे कि किसान का बेटा सीमा पे बांटता है, शर्मानी चाहिए आपको, क्या सैनिक को भी आज बांट रहे हैं? अरे सर लगता है ये भी सैनिक केवल किसान का बेटा नहीं होता, एक पुलिस वाले का भी बेटा होता है, एक डॉक्टर का भी बेटा होता है, और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पार्टी में खेला में जितने भी सरकार के कार्यक्रम किए हैं, सैनिक भी सैनिक होता है, आज अखिलेश यादव जी की सरकार में काम हुआ है, नाकामिया आपने अपनी सरकार में डेढ़ साल में स्वीकार कीजिए, आप हमें आपसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट देने के लिए क्यों आए हैं? की जरूरत नहीं है अखिलेश यादव जी को, आपके सरकार के वो कार्यक्रम जहाँ पर विकास आपको बड़ा साबित करने का, एक सेकंड जारी साहब, अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए थे सर, एक सेकंड संदीप द्विवेदी गोरखपुर में साबित करने का मौका आया था तो वहाँ साबित नहीं कर पाए थे, ठीक है सर, एक सेकंड सर, सर वो छोटे इलेक्शन नहीं थे, वो आपकी नाक का सवाल था, साबित करके दिखाया, वहाँ वहाँ आपके आपके गोरखपुर में बूथ में कितने वोट पड़े थे आपको, वो आप बेहतर बता सकते हैं, ठीक है सर, सर सर आप आप फिर आप कराना छोड़ दीजिए ना, फिर कराना छोड़ दीजिए ना, फिर अखिलेश यादव को कहां ले जाएंगे, जीत जाते तो मोदी लहर है, योगी लहर है, हार जाते तो फिर मायने मोदी लहर भी और विकास की लहर भी है, ठीक है सर, एक सेकंड विकास साहब ये कह रहे विकास बोलता है, लेकिन जब विकास बोलता है तो राहुल गांधी को मंदिर मंदिर जाकर अपनी तस्वीरें वायरल क्यों करनी पड़ती हैं? विकास श्रीवास्तव मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, वो वेद प्रकाश जी उनको नहीं पहुंच रही, हिंदुत्व तो एजेंडा है सिर्फ, फिर से जोड़िए जी जी, और योगी मुफीद है आपको लगता है सबसे बेहतर है कि बार बार बताएं कि भैया देखिए मैं हिंदू हूँ, राम की नगरी से आया हूँ, हेलो हेलो वेद प्रकाश जी, हेलो वेद प्रकाश जी, उनको भी आवाज नहीं आ रही है, अच्छा विकास जी मेरी आवाज पहुंच रही है अब आप तक, विकास जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा, संदीप द्विवेदी यहाँ तमाम सवाल खड़े हैं ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर, आखिर आपको क्यों लगता है कि योगी क्यों सबसे ज्यादा जरूरी बन गए आप लोगों के लिए, वजह क्या है? विकास तो नहीं हो सकती ना, देखिए तिलक जी मुझे नहीं लगता कि ध्रुवीकरण की वजह से योगी जी आज बहुत बड़ा आइकन बने हैं, योगी जी ने अपने आप को साबित करके दिखाया है, जो कंटिन्यू 5 बार 6 बार सांसद रहा हो और हर बार अधिक मार्जिन से जीता हो, क्या आप उसको जनप्रिय लीडर नहीं कहेंगे? जिसने गुजरात में अपने आप को साबित करके दिखाया हो, जिसने जितने भी इलेक्शन हुए उसमें अपने आप को साबित करके दिखाया हो, इवन यूपी में आप देखिए, यूपी में एक साल के शासनकाल में उन्होंने कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बनाई है, और ये जो जानबूझ के ध्रुवीकरण की बात करते हैं जो लोग, ये बौखला गए, इन्हें पता है कि ये हारने की कगार पे है, आज अखिलेश यादव जी
अगर अपनी रैली कैंसिल करते हैं तो इसलिए कैंसिल नहीं करते हैं कि इनके पास समय नहीं है, इनकी कुछ व्यक्तिगत व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कैंसिल करते हैं कि इन्हें पता है कि जितनी भीड़ योगी जी और मोदी जी की रैलियों में आ रही है इनकी रैली में नहीं आएगी, इसलिए अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए रैलियां कैंसिल करते हैं। आज योगी जी ने विकास का मॉडल पेश किया है, चाहे आप गुजरात की बात करो, मोदी जी ने विकास का मॉडल पेश किया था, आज प्रधानमंत्री हैं। आज एक साल में योगी जी ने अपने आप को विकास पुरुष के तौर पर साबित किया है, आज पूरे देश में उनकी डिमांड है। कोई पार्टी जानबूझ के किसी को नहीं भेजती, कोई ध्रुवीकरण के लिए नहीं भेजती, बल्कि जो व्यक्ति अपने आप को साबित करता है, जब लोकल से डिमांड आती है तब उसको भेजा जाता है। तभी आप बताते योगी जी आज मोदी जी के बाद दूसरे सबसे बड़े तभी आप बताते ना संदीप त्रिवेदी की विकास किया हमने, आप क्यों याद दिलाते कि हम राम की नगरी से हैं, काशी की नगरी से हैं, मथुरा से हैं। देखिए साहब, राम मंदिर, जिहाद, ये सब कुछ याद आ जाता है फिर आपको। देखिए विकास बताइए ना साहब कितना किया फिर। देखिए विकास प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मुद्दे जाके कर्नाटक में नहीं उठाए जाएंगे। कर्नाटक का हर व्यक्ति तो समझता है कि, क्यों? हर व्यक्ति ये समझता है कि योगी जी ने विकास किया इसलिए वो योगी जी को सुनना चाह रहा है। अच्छा, विकास की बात, धार्मिक मॉडल क्यों नहीं बता रहे योगी जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए जो धार्मिक बातें करने की बात अगर कही, तो जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है वो उसी शैली में बात करता है। राहुल गांधी जिस शैली में रहते हैं उसी तरह की बात करते हैं। आज वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, क्योंकि वो जानबूझ के अपने उन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आज योगी जी धार्मिक व्यक्ति है तो धर्म की बात करेंगे, धर्म के साथ राजनीति को जोड़ेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा शासन किया है उन्होंने, अपने आप को साबित करके दिखाया है। हाँ, गोरखपुर और फूलपुर की जनता समझ नहीं पाई सर, गलती हो गई। बायोपोल इलेक्शन को लेकर अगर आप कहिए तो अभी यही लोग कहेंगे कि ईवीएम में छेड़छाड़ थी, जो गोरखपुर और फूलपुर पे नहीं कह पाए कि ईवीएम में छेड़छाड़ थी, अभी कुछ दिनों के बाद देखिए यही लोग कहेंगे फिर ईवीएम सेट हो गई, फिर छेड़छाड़ हुई। एक सेकंड जैदी साहब, चलिए कम से कम आप ही बता दीजिए अखिलेश यादव क्यों नहीं गए प्रचार करने वहां पर, कार्यक्रम तो पहले तय था, अचानक एक प्रोग्राम कैंसिल हो गया था उनका, विपक्षी एकता कहां गई? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चुनाव के सभी चुनाव के कार्यक्रमों को निर्धारण उनके हाथ में है, और मैं समझता हूं कि आवश्यकता के हिसाब से समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरह से पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं, वहां पर टीमें हमारी हैं मौजूद। मैं फिर ये बात कहूंगा क्योंकि अभी आदरणीय हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब समझ से परे है, जब जेडीएस के प्रचार के लिए मायावती वहां पर जा सकती हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं? चाहूंगा, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय द्विवेदी जी से कि कुछ ना देखें, कम से कम इंडिया वॉइस चैनल जरूर देख लिया करें, क्योंकि मैंने इंडिया वॉइस चैनल के ऊपर गाजियाबाद और नोएडा में जब आपके माननीय मुख्यमंत्री जी अभी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने गए थे तो वहां 200-250 की भीड़ हमने देखी थी, जबकि सरकारी कार्यक्रम था। तो इधर उधर वक्त आपको कम मिलता होगा, सत्ता में है, सरकार चला रहे, इंडिया वॉइस ही देख लिया कीजिए। और लोकप्रियता का पैमाना भीड़ से नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में भीड़ तो कहीं पे ऐसी जगहों पे भी लग जाती है जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण या गैर जरूरी ना हो। सीधी सी बात है कि विकास के मामले में आपकी सरकार अब तक जितने भी विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है पिछले 1.25 साल में, वो सब अखिलेश यादव जी की सरकार के कराए हुए कार्य। एक मिश्रा साहब, राजनीति में धन कितना जरूरी है और कर्नाटक में क्यों नहीं? देखिए अगर हम संविधान के हिसाब से देखें और सारी चीज़ें देखें तो धर्म की बात तो नहीं होनी चाहिए जो अपने यहाँ का सिस्टम है अभी तक, लेकिन देखिए क्या है, कुछ मजबूरियां हैं या राजनेताओं की सारी पार्टियों की हठ धर्मिता है। इसके पहले भी धुआंधार फतवे जारी होते रहे हैं, जब भी यूपी का इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, तो देखिए जो हथकंडे जिसके हाथ में आते रहे हैं सब ने यूज किया है, ये हमारी और हमारे देश और जनता का ये दुर्भाग्य है। रही बात आज की डेट में, मुझे ये आज नहीं पहले भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा जैकपॉट रहा है पॉलिटिशियंस के लिए कि हर इलेक्शन के पहले जो है बड़े बड़े धर्माचार्यों की शरणों में जाना, विभिन्न धर्मों के जो है गुरु हैं, जो महंत हैं, उनके शरणों में जाना, क्योंकि उनके पास वोट को इन्फ्लुएंस करने का जो उनके समर्थक होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। हरियाणा में देखिए आप राम रहीम के साथ ऐसा हुआ था। तो मैं तो ये बोलता हूं कि भाई अगर धर्म है और इसको ठीक है कानून के हिसाब से ये गलत है, यूज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, तो मैं तो सीधे सीधे ये बोलूंगा कि जब सभी यूज कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर कीचड़ क्यों उठा रहे हैं? आप भी करिए अपने धर्म के लिए, आप भी करिए, बशर्ते वो हिंसक ना हो, हेटेड वे में वो नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं है। देखिए ये सब पोलराइजेशन के वोटर्स को जो है मोबिलाइज करने के लिए, शिफ्टिंग वोटर्स को अपने फेवर में करने के लिए वो 500 तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका ये भी है। एक बहुत अच्छा डिबेट, मतलब एक टॉपिक चल रहा था कि भाई अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए, योगी जी क्यों गए। मैं बिना किसी मतलब लब्बो लुआब के मैं मतलब ये बोलना चाहता हूं, बिना किसी फेवर में, देखिए है क्या,
आप केवल एक निष्ठ पॉलिटिशियन बन के रह गए, जैसे अखिलेश यादव हुए या कोई और हुए, मतलब आप यूपी तक सीमित रह गए। आपने अपनी ब्रांडिंग, अपनी एक्सेप्टेंस यूपी के बाहर किया नहीं। योगी जी का जो है वो ये है कि उन्होंने जो भी काम किया पिछले 5 साल 10 साल में, सही था गलत था मैं इस पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस बियॉन्ड यूपी बनाया है, ये उनकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट है। मैं बोलता हूं आप भी आप लंदन में जाकर के कर, अगर आपकी एक्सेप्टेंस लंदन में है तो लंदन भी आपको बुलाएगा, आप वहां जाके कैंपेन करिए, कहीं पर भी जाइए। तो ये फर्क है सर। ठीक है, फाइनल कमेंट संदीप द्विवेदी, योगी कितना ज्यादा जरूरी, और 2019 से पहले आपको लगता है कि कर्नाटक में अगर फेल हुए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं? देखिए मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह से कर्नाटक में फेल होने जा रहे हैं। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से और बहुत अच्छी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दूसरी बात रही योगी जी के कर्नाटक में प्रचार करने की, तो देखिए वहाँ लोकल की जनता किसको पसंद करती है उसके बेस पे ही प्रचारक को भेजा जाता है। आज अगर किसी नेता को जनता वहाँ नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती उस पर रैली नहीं थोप सकते। आज योगी जी की डिमांड है, आज मोदी जी की डिमांड है, और जो हमारे बड़े लीडर्स उनकी डिमांड है, और उसी डिमांड के हिसाब से उन्हें भेजा जा रहा है। और योगी जी ने अपने आप को एक साल में साबित किया है, आज विकास के आइकॉन के तौर पर योगी जी उभरे हैं और पब्लिक ने उसको स्वीकार किया है। विकास बताते नहीं ना, विकास का आइकॉन बना दिया। देखिए आइकॉन नहीं बोला, एक साल में क्या विकास हो सकता है सर किसी स्टेट में? कौन सा बहुत बड़ा हाईवे बन गया? अपराधियों को लेकर तो विकास हाँ, किया है। हाँ, ये विकास होता है। बात को लेकर तो उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं, कानून व्यवस्था दूसरी चीज है, कानून व्यवस्था दूसरी चीज है, कानून व्यवस्था दूसरी चीज है, विकास दूसरी चीज है। प्रदेश में कितने एनकाउंटर करते हैं वही बता देते वहां पर। अगर ये विकास है तो बताना चाहिए था उनको, हमने प्रदेश में कितने एनकाउंटर कर दिए। जनता के पास ऑलरेडी जनता को पता है, और इसीलिए जनता ने उनको बुलाया है, इसीलिए जनता उनको बार बार पसंद कर रही है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रही थी तो वहाँ पर भी लगाते साहब देखिए हमने कितने एनकाउंटर करे, वो बताते ना आप विकास वहाँ पे भी है। अगर इन्वेस्टर आया तो इसलिए आया। ठीक है, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में, 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका। अखिलेश यादव क्यों नहीं गए बताएंगे? चलिए संपर्क हमारा टूट गया उनसे। फिलहाल मुद्दे की बात में आज कहानी का निचोड़ यही निकल के आता है। जहरी साहब अखिलेश यादव क्यों नहीं गए बता दीजिए इनको जी। उनके निर्देश पर पूरी तरह से समाधि पार्टी लगी है सर, बता दीजिए ना क्यों नहीं गए। भाई मैंने बताया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री अखिलेश यादव जी, वहां पर उपयोगिता जिसकी उपयोगिता है समाजवादी पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ लोग और तमाम पार्टी के जो हमारे यूथ के लीडर्स हैं वहां काम कर रहे हैं। और हम तो इनसे फिर आखिरी में यही आग्रह करेंगे कि जब सब कुछ इनके पक्ष में तो हमारा मुख्यमंत्री लौटा दे, ताकि हमारे सूबे में जो बुरे हालात हैं उन पर भी काम करने का उनको अवसर मिल जाए। तो मायावती का ही है वहां पर, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? अब तो सहयोगी हैं आपकी। जारी साहब, तिलक भाई माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इससे पहले भी कर्नाटका में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। और वो अपनी पार्टी का प्रचार करें या कोई भी दल अपना प्रचार करे, मैंने तो यही इसीलिए कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के प्रचार कर देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर अगर किसी की आवश्यकता पड़ती है तो ये बिल्कुल सही सी बात है कि इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि इनके प्रधानमंत्री सक्षम नहीं रहे हैं। उनकी फेस वैल्यू। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, आपका माफी चाहेंगे, तकनीकी दिक्कत के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था। विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे भी माफी की संपर्क नहीं हो पा रहा था जिस वजह से दिक्कत आई तकनीक की वजह से। जारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एके मिश्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप द्विवेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यहां पर कर्मयुद्ध कम और धर्मयुद्ध ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कर्नाटक में धर्मयुद्ध में अब कौन जीतता है देखना अब यह बाकी है। फिलहाल मुद्दे की बात में मेरे साथ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ। मुझे दीदी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।